हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड, और बीए पार्ट थर्ड में हमारा सेक्शन वी। सेक्शन जो वी है वो हमारा आधुनिक समकालीन सामाजिक विचार। आधुनिक समकालीन सामाजिक विचारक जो आज के समय के अंतर्गत समाज के विषय में एक नई विचारधाराएं रखने वाले विचारक आधुनिक समकालीन सामाजिक विचारक कहे जाते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत हमारे तीन विचारक थे, जिसमें सबसे पहला था हैबरमास। हैबरमास ने दो विचार रखे, दो सिद्धांत दिए। एक तो है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन, संचारात्मक क्रिया का सिद्धांत या संप्रेषण क्रिया का सिद्धांत, कि संप्रेषण क्या है, आधुनिक युग में संप्रेषण का क्या महत्व है और संप्रेषण किसे कहते हैं। अर्थात जब एक व्यक्ति किसी संदेश, किसी सूचना को दूसरे व्यक्ति तक भेजता है या पहुंचाने का कार्य करता है, वो संदेश है। संदेश में विचार और व्यवहार आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। ये रहा हमारा संचार, संप्रेषण। और संचार के बगैर अन्य किसी क्रिया को करना असंभव है। जब बात आती है, दूसरा जो टॉपिक था हमारा हैबरमास का, वो है वैधता का संकट। कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के सामने वैधता के लिए अनेक समस्याएं हैं, अनेक परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। कि जो प्राचीन समय के अंतर्गत नहीं था, सभी लोग सुख और शांति से रहते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में पूंजीवाद और आधुनिकता आई, वैसे वैसे ही आज लोगों के सामने अनेक समस्याएं खड़ी उत्पन्न हो गई। तो ये रहा जो वैध है, जो लीगल है, उसके लिए लीगल है वो, उसके लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, इनको रोकना असंभव है। जबकि प्राचीन काल में ऐसी कुछ कोई समस्या नहीं थी। ये रहा हमारा हैबरमास के सिद्धांत। लेकिन बाद में एंथेंस गिडिंग्स के संबंध में हम आज बात करते हैं। और गिडिंग्स एक नवीन आधुनिक समाजशास्त्री है, और उन्होंने अपने दो प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया है। एक तो है आधुनिकता और दूसरा है संरचनाकरण। तो संरचनाकरण की बात हम जब करते हैं, तो संरचनाकरण का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना या संरचना या अथवा बनाना। और ये बनाने की जो प्रक्रिया है, व्यक्ति स्वयं बनाता है इनको। लेकिन कुछ विचारक इसमें भाषा को महत्व देते हैं, तो कुछ शब्दों को महत्व देते हैं, तो कुछ इकाइयों को महत्व देते हैं। अर्थात भाषा ही संरचना का निर्माण करती है। व्यक्ति जो कुछ शब्दों को मिलाकर के बोलता है, उसका कुछ अर्थ निकलता है, वो उसकी संरचना। संरचना अर्थात संरचना नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। बगैर नियम के कोई भी संरचना नहीं बन सकती। उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं। नियमों के आधार पर जब किसी चीज की रचना होती है, तो उसका कुछ अर्थ निकलता है, तो वो संरचना। और संरचना का बार बार दोहरापन ही संरचना कर्ण है। कि समाज के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो संरचना का बार बार दोहरा नहीं जाता हो। और दूसरी बात हम करते हैं एथिक्स गणेश ने आधुनिकता की। वास्तव में आधुनिकता एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये अधिकांशतः चर्चा में रहा है कि आधुनिक क्या है, आधुनिकता क्या है। तो सबसे पहली बात है कि आधुनिकता को जो संबंध है वो गिडिंग से है, और गिडिंग ने अपनी प्रमुख पुस्तक को द नेशन ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट के अंतर्गत, द नेशन स्टेट ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत तो आधुनिकता का उल्लेख किया है। कि आधुनिकता क्या है, देखा जाए तो आधुनिकता का जो विकास हुआ है वो 17वीं शताब्दी के बाद, और यूरोपीय देशों के अंतर्गत, क्योंकि औद्योगिक जो क्रांति, पूंजीवाद जो आया है, वो अधिकांशतः यूरोपीय देशों में ही, जो आज विकसित अवस्था में है, और उनका प्रभाव, विकसित देशों का प्रभाव या यूरोपीय देशों का प्रभाव या पाश्चात्य देशों का प्रभाव अन्य अविकसित देशों पर या विकासशील देशों पर पड़ता है, उनमें कुछ परिवर्तन आता है, तो वही परंपरा से हटकर कर नवीनता की ओर जो विचारधारा है वो हमारी आधुनिकता है। आधुनिकता एक विचारधारा है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाता है। देखा जाए तो आधुनिकता एक विचारधारा है जो परंपरागत या प्राचीन के विपरीत है। कि समाज में जो कुछ नवीन या नया देखने को मिलता है वह आधुनिकता है। इसका सर्वप्रथम
विकास यूरोपीय देशों में देखा जा सकता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, जो भी कुछ विकास हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ये सारे जो हमारे यूरोपीय देश या पाश्चात्य देशों में हुआ है, आज वो विकसित अवस्था में है। और उन देशों का प्रभाव, विकसित देशों का प्रभाव जब विकासशील और अविकसित देशों में पड़ता है और उनमें कुछ बदलाव आता है, अर्थात प्राचीनता से हटकर नवीनता की ओर आता है, वो है हमारी आधुनिकता। तो आधुनिकता सबसे पहले हमें फैशन और साहित्य में देखने को, कला साहित्य और फैशन में देखने को मिलती है, अर्थात परंपरा से हट करके जो नवीनता की ओर है, जो नया है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो हमारे लिए आधुनिकता। आधुनिकता के विषय में जब गणेश जी बात हम करते हैं तो उसकी पहली जो विशेषता है, आधुनिकता की पहली विशेषता, आधुनिकता की विशेषता है, नंबर वन है समय स्थान की अवधारणा में परिवर्तन, समय और स्थान की अवधारणा में परिवर्तन। समय और स्थान की अवधारणा में परिवर्तन की बात गिडिंग्स करता है कि प्राचीन समय में समय और स्थान एक दूसरे से जुदा थे, अलग अलग नहीं थे, अर्थात परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर रहते थे, एक स्थान पर खाना खाते थे, एक जैसा कार्य करते थे, एक जैसी आवश्यकताएं, किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पाश्चात्य देशों का प्रभाव आया, उनकी विचारधारा में परिवर्तन आया, तो अब समाज बिल्कुल बदल गया। जहाँ एक ही परिवार के सभी सदस्य जहाँ एक स्थान पर रहते थे, एक स्थान पर खाना खाते थे, एक जैसी विचारधाराएं थी, एक जैसी आवश्यकताएं थी, अब वो सारा कुछ बदल गया, क्या अंतर का बदलाव आ गया कि परिवार के सभी सदस्य चारों तरफ बिखरे हुए हैं, तो कोई दिल्ली रहता है, तो कोई जयपुर, तो कोई बम्बई, तो कोई कलकत्ता, सभी की आवश्यकताएं भी अलग अलग हो गई हैं, अब भी एक सूत्र में नहीं बनते। जबकि प्राचीन समय में सभी एक सूत्र में बंधे हुए थे, खेतीबाड़ी का काम करते थे, सभी मिलजुल करके रहते थे, मिलजुल कर खाते थे, इस प्रकार की विचारधारा थी, तो वो परंपरा का समाज था। लेकिन पाश्चात्य प्रभाव के कारण अब उनमें कुछ बदलाव आ गया है, सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिवाद आ गया है, संपत्ति का विकास हुआ है, जबकि प्राचीन समय में ऐसे सब कुछ संभव नहीं था। तो अब लोगों की आवश्यकताएं असीमित हो गई हैं, इसलिए व्यक्ति के मध्य व्यक्तिवाद और सामूहिकता का ह्रास हुआ है। यह आधुनिकता की एक विशेषता कि जिसमें समय स्थान दोनों परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक संबंधों का विस्तृत रूप, अर्थात प्राचीन काल के अंतर्गत ये जो समाज के अंतर्गत जो संबंध थे वो सीमित थे, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी, ऐसी स्थिति में लोग कम लोगों से संपर्क करते थे। लेकिन जैसे जैसे पाश्चात्य का प्रभाव पिया पड़ा, उनमें आधुनिकता आई, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की आवश्यकताएं बढ़ी और आवश्यकता के साथ साथ फिर लोगों से संबंध बनाने की प्रक्रिया का विस्तार हुआ कि आज जितने अधिक संबंध हम लोगों से बनाते हैं, उतना ही हमारा विकास, उतनी ही हमारी संपत्ति का विकास और विचारधारा में परिवर्तन होता है। तीसरे, जब हम बात करते हैं पहचान खतरे, पहचान खतरे में कहने का मतलब यह है कि प्राचीन समय के अंतर्गत तो जो हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं थी, सभी लोग मिलकर काम करते थे, मिल बांट कर खाते थे। लेकिन जैसे जैसे व्यक्तिवाद आता गया, संपत्ति का विकास होता गया, लोगों के विचारधारा में परिवर्तन आता गया, सोचने की शक्ति सीमित हुई, वैसे वैसे व्यक्ति के सामने अनेक खतरे उत्पन्न हुए।
अब इधर देखते हैं व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएं हैं, अनेक खतरे हैं। ये सब जैसे जैसे विकास होता जाएगा वैसे वैसे सामने व्यक्ति के सामने अनेक प्रकार की संकट उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो यह है हमारी पहचान। हाँ, व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए समाज में पहचान बनाने का प्रयास करता है, भागदौड़ करता है, पैसे कमाता है, अन्य कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे उसका विकास होता जाएगा व्यक्ति के लिए खतरा उत्पन्न होता चला जाएगा। चौथा है प्लास्टिक का मुद्दा। कामुकता अर्थात प्राचीन समय में जहां प्रजनन का संबंध बच्चे उत्पन्न करना था, आधुनिक समय में ये विचारधारा बिल्कुल बदल चुकी है। अब लोग प्रजनन पर इतना ध्यान नहीं देते बल्कि अपने आप को एक पहचान, एक हष्टपुष्ट चेहरा, लंबे गले वाल, इस प्रकार के शौक मौज को ध्यान देने की जो प्रक्रिया है वो आधुनिकता है। यह सुविधा प्राचीन समय में नहीं थी। आज व्यक्ति अपने आप में एक अलग पहचान समाज के अंतर्गत बनाना चाहता है। यह पहचान और प्लास्टिक का मुद्दा ही आधुनिकता की एक पहचान है कि जहां पहले विवाह हम संतान उत्पन्न करने के माध्यम से ही करते थे ताकि समाज का विकास हो, लेकिन यह विचारधारा आधुनिक समय में बदल चुकी है कि केवल शारीरिक और मानसिक संतुष्टि के लिए व्यक्ति विवाह करते हैं। यही प्लास्टिक का मुद्दा कि आज व्यक्ति प्रजननता पर, बच्चे संतान उत्पन्न करने पर इतना ध्यान नहीं देता बल्कि अपने आप को एक हष्ट पुष्ट लंबा पूरा भरा घना हुआ चेहरा, घने लंबे बाल, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जो विचारधारा रखता हुआ आता है। पांचवें उन्होंने विशेषता वैश्वीकरण और आधुनिकता। ये दोनों विचारधाराएं, ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे से पूरक हैं कि वैश्वीकरण आधुनिकता नहीं है, आधुनिकता के बगैर वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के समस्त देश आपस में अंतर संबंध या अंतर निर्भरता होना ही वैश्विक। इस दुनिया के समस्त देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण समाजों में आधुनिकता आई है, एक नई विचारधारा। अर्थात एक संस्कृति पलक झपकती दूसरे देशों तक पहुंच जाती है, एक वस्तु कुछ क्षण में ही दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अमेरिका के तमाम फल भारतीय संस्कृति के अनेक सौंदर्य प्रसाधन अन्यथा वेशभूषा जो भी दूसरे देश तक आदान प्रदान आसानी से होते हैं। यही हमारी आधुनिकता।